everyone, good evening. I welcome you all to today's special session. I'm Shell, your educator on CSI NET Life Science category. And in today's special session, we will talk everything about CSI NET. What is the exam pattern? What is the validity of JRF? What is the validity of LS? How much fellowship are you going to get? How is it helpful for your career? How can you qualify it during your MSc time period? Everything. We will talk about these things together in today's session. So let's begin. So CSI NET, agar baat kare to this is Council for Scientific and Industrial Research National Eligibility Test. Ye NTA dwara hota hai, National Testing Agency. Ye to aapko pata hi hoga. This is conducted twice a year, 6 monthly hota hai. अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. मोस्ट प्रोबेबली 2021 का दिसंबर में ही होगा जहां तक सोचा जा सकता है. यानी कि हो सकता है दिसंबर 2021 में सेकेंड संडे या नवंबर में होने के चांसेस अब कम ही लग रहे हैं. दिसंबर 2021 के सेकेंड संडे या सेकेंड वीक आप सोच सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस हैं. देन अगर ये दिसंबर 2021 में हो गए तो अभी सिर्फ हमारे पास बहुत ही कम टाइम बाकी है. तो इस कम टाइम को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है वो आप लोगों को पैटर्न बनाना होगा. आप पहले डिटेल्स में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम पैटर्न और कैसे क्वालिफाई करना है ये सब के बारे में बात करेंगे. सो CSI NET इज कंडक्टेड फॉर 5 सब्जेक्ट्स: फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ साइंस. एंड यू हैव टू बी एन MSc, दैट इज़ आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अच्छा, पहले लेट मी सी वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. एक सेकेंड, लेट मी सर्च. आई थिंक मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ. यस, सो यस आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. हेलो आशीष बेटा. सो CSI NET इज कंडक्टेड इन दीज 5 सब्जेक्ट्स, आपको तो पता ही होगा. और यू हैव टू बी अ PG, यू शुड हैव अ PG डिग्री. MSc लाइक MBBS, BS, MS, BTech, BPharma, BE, आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको CSI NET का देना है. देन इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 28 ईयर्स फॉर JRF. अगर आप JRF के लिए चाह रहे हैं तो दैट इज 28 ईयर्स. एंड JRF क्या है इस बारे में हमने कल बात की थी, फिर भी लेट मी टेल यू. सो दो तरह का कट ऑफ होता है इन ड्यूरिंग CSI NET. दो तरह का कट ऑफ होता है आप CSI NET अगर देंगे. सो द फर्स्ट कट ऑफ इज, लेट सपोज जितना भी अभी तक का एग्जाम हुआ है, जितना भी अगर एक्सपीरियंस को देखा जाए तो 105 मैक्सिमम या 102 से 105, 103 से 105 आप इमेजिन कीजिए, इतना ही मैक्सिमम जा सकता है LS के लिए, लेक्चररशिप के लिए. देन 115 से 118, या ये तो 118 या लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट लिमिट हो गया 108, इस इतना मतलब 105 एंड 118 आप अगर रख लेंगे तो बेटर होगा. 105 से 118 आउट ऑफ 200, ठीक है. तो आउट ऑफ 200 अगर आपका फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर लिया, 102 से 105 अगर आपका रह गया तो यू विल बी एन LS. अगर आपका 105 से 118 के बीच में, नॉर्मली मतलब ये एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ, JRF आप हो जाएंगे. LS एंड JRF अगर आपके पास है सो इट डज़ नॉट मीन कि यू विल गेट LS. अगर है तो आपको पक्की सी जॉब भी मिल जाएगी क्वालिफाई करने के बाद में. एंड JRF है तो पक्का सा आपको रिसर्च में मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है. दिस इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने इसके बारे में पहले भी बोला है. आपके पास अगर LS है और अगर वैकेंसी निकलेगी किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, LS की जो वैलिडिटी होती है दैट इज़ लाइफ टाइम. आप लाइफ टाइम तक इस वैलिडिटी को LS को यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ जॉब एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम. JRF की वैलिडिटी है 3 ईयर्स, ठीक है. तो JRF वैलिडिटी इज 3 ईयर्स, ध्यान रखिए. LS की लाइफ टाइम, ठीक है. देन LS को के लिए आप अगर LS के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, देर इज़ नो एज लिमिट. इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो मैं प्रॉपरली लिख के दिखा देती हूँ. LS JRF कट ऑफ जो है लोअर देन JRF, हायर, ठीक है. वैलिडिटी लाइफ टाइम, दिस इज 3 ईयर्स, ठीक है.
देन LS के लिए देर इज नो एज लिमिट. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप LS या JRF दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम में. अगर LS के लिए कर रहे हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए 28 ईयर्स है, विच इज रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक ये रिलैक्स किया जा सकता है फॉर वुमेन, SC ST OBC एज वेल एज फिजिकली हैंडीकैप. सो यहाँ देख सकते हैं 28 ईयर्स फॉर JRF, रिलैक्सड अप टू 5 ईयर्स फॉर वुमेन एज वेल एज SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप. देन देर इज नो एज लिमिट फॉर लेक्चरशिप. LS के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. देन आप अगर JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका हायर अगर कट ऑफ के रेंज में आपका आ जाता है, सो यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर PhD वेन एवर इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी देर इज़ अ वैकेंसी, या बोल सकते हो वहाँ पे जब भी कोर्स स्टार्ट होगा, PhD का नया सेशन स्टार्ट होगा, यू कैन अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द एडवर्टीजमेंट्स आएगा वेबसाइट में आपको मिलेगा. सो यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर अ JRF. अगर आपके पास JRF है अप्लाई कर सकते हैं आप. एंट्रेंस और इंटरव्यू हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मैंने कल ही बताया कि यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो एंट्रेंस रखेंगे या इंटरव्यू, एंट्रेंस एंड इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन रखेंगे या सिर्फ इंटरव्यू रखेंगे. दो ऑप्शन होता है, एंट्रेंस एंड इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन एंड सिर्फ इंटरव्यू अगर रखेंगे तो JRF मैंडेटरी होता है फॉर एप्लीकेशन. आपके पास JRF होना ही चाहिए इंटरव्यू खाली रखा गया है तो. अगर एंट्रेंस एंड इंटरव्यू रखा गया है, JRF इज़ नॉट मैंडेटरी. आपके पास JRF नहीं भी है तो भी अगर किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एंड इंटरव्यू दोनों है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर आपने एंट्रेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, यू कैन गो फॉर PhD ओवर देयर. बट आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, कल ही मैंने इस बारे में बात की थी, फेलोशिप नहीं मिलेगी CSIR की तरफ से, कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी. हाँ, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिल सकती है अगर उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिल सकता है. क्योंकि फेलोशिप के बारे में हमने कल बात की थी तो CSIR की तरफ से मिलेगा. अगर आपका UGC नेट क्वालिफाइड है, JRF है, तो आपको UGC की तरफ से मिल सकता है, आपको DBT की तरफ से मिलता है अगर आप क्वालिफाई किए हैं, ICMR की तरफ से. तो जो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको ये मिल सकता है फेलोशिप, एज वेल एज आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स भी मिलते हैं. इंस्टीट्यूशनल जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, सॉरी PhD कर रहे हैं, वो भी आपको ऑफर कर सकते हैं फेलोशिप. सो अगर आपके पास JRF नहीं है एंड आपने एंट्रेंस एंड इंटरव्यू के कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया है एंड आप क्वालिफाई कर गए, सो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप को आप एक्टिवेट कर सकते हैं. एंड अगर है तो फिर आपको फेलोशिप मिलेगी. फेलोशिप की अमाउंट अगर देखी जाए तो फेलोशिप की अमाउंट है 31,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 35,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स. मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए मिलता है फेलोशिप JRF अगर आपके पास है तो, विच कैन बी इंक्रीज इन सर्टेन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है अगर आपका गाइड, आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको फेवर करेगा, आपका अगर कोऑपरेट करेगा तो 5 ईयर्स से ज़्यादा का फेलोशिप हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर. अदरवाइज 5 ईयर्स तक का फेलोशिप मिलता है. एंड विद इन 5 ईयर्स इफ़ यू विल सबमिट योर थेसिस, अगर आप थेसिस सबमिट कर देते हैं तो यू विल बी गेटिंग फेलोशिप. अदरवाइज 5 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है तो फेलोशिप से वो कवर्ड नहीं होगा. यू हैव टू सस्टेन ऑन योर सेल्फ. आप रिसर्च अगर करेंगे तो आप खुद को सस्टेन खुद ही करना पड़ेगा. अगर आपके पास LS खाली है तो आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर वैकेंसी निकल रही है तो, वैकेंसी निकली है तो आप अप्लाई करेंगे. फिर वहाँ पे भी एंट्रेंस एंड इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंटरव्यू का खाली कॉम्बिनेशन हो सकता है. खाली इंटरव्यू के कॉम्बिनेशन होने से आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि खाली एंट्रेंस इंटरव्यू के कॉम्बिनेशन में LS ज़रूरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है. वो डिपेंड करेगा कि आपके पास अगर LS है तो आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों लिया जाएगा या सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा. तो ये दोनों के बेसिस पे आपको इन दोनों में से कुछ भी पैटर्न चूज हो सकता है एंड यू कैन गेट अ जॉब. लेकिन दिस इज़ नॉट एन एश्योरेंस, दिस इज़ जस्ट वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इस बेसिस पे आप LS को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर. देन अगर CSIR नेट आपको क्वालिफाई करना है ड्यूरिंग योर MSc 2 ईयर्स, आप अगर MSc में एंटर किए हैं या BSc में, तो तीन तरह के स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है. एक होती है जो MSc में है, एक होती है जो BSc में, कुछ होते हैं जो MSc के बीचों बीच कहीं पे है किसी सेमेस्टर में है, कुछ होते हैं जो MSc पास आउट है. सो अगर आप BSc में हैं सो आपको करना क्या है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपके पास, क्योंकि एम्पल टाइम है, काफ़ी टाइम है.
आप स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ कीजिए फॉर प्रिपेयरिंग योर नोट्स. आपको भले ही कॉलेज में नोट्स मिल रहा है दैट डज नॉट मैटर, आपको कहीं से मिल रहा है दैट डज नॉट मैटर, आपके पास काफ़ी टाइम है. आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, पहले से ही आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि ड्यूरिंग MSc 2 years आई विल क्वालिफाई CSI नेट. अगर आपको फ्यूचर इस लाइन में सेटल करना है अपना, भले CSI नेट के बाद में आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाइए या रिसर्च में चले जाइए, आप इंडस्ट्रियल जॉब्स में भी जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, तो इन सारे ओपन फील्ड्स हैं आपके लिए. लेकिन अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, तो आपको BSc के टाइम में ही स्टैंडर्ड बुक्स का हैबिट होना चाहिए. लेनिंजर फॉर बायोकेमिस्ट्री, ब्रूस फॉर सेल बायोलॉजी, एल्बर्ट ब्रूस, देन टोटोरा फॉर फिजियोलॉजी, इस तरह से आपके पास सबकी सॉफ्ट कॉपी, कुछ की हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए. मैक्सिमम की हार्ड कॉपी रखिए और उनकी उनसे ही नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उन्हीं से पढ़िए. अगर आप MSc में है किसी भी सेमेस्टर में, आपके पास अभी भी टाइम है. अगर लास्ट सेमेस्टर में नहीं है तो उसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी में भी है, अभी भी आपके पास टाइम है. इट डज़ नॉट मैटर आपके पास कॉन्सेप्ट है या नहीं, आपकी स्टडी में ग्रिप है या नहीं, उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं है. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन क्वालिफाई. बस आपके पास वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यस आई विल डू इट विद इन 6 months. आपको एक टाइम फ्रेम खुद को देना होगा, एक आपको मेंटालिटी वैसा स्ट्रांग करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आप कर पाएंगे. तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं सो आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ कीजिए. सेकेंड में है तो भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड में है तो भी. अगर फोर्थ में है सो फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स में पूरा घुसने से नहीं हो पाएगा फोर्थ सेम में, फिर भी स्टैंडर्ड बुक्स का कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए. जो कम थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें किसी ब्रीफ बुक्स जिसमें समरी बुक्स है जैसे कि पाथफाइंडर, वहाँ से पढ़ सकते हैं. इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स को आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के पढ़ सकते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है. तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनसे आप पढ़ सकते हैं. बट डोंट फॉलो द रेडीमेड नोट्स. जो रेडीमेड नोट्स मिलते हैं ना मार्केट में, आप सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हार्म यू. उसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए. यस यू कैन यूज़ देम एज गाइड, बट आपको स्टैंडर्ड बुक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए फॉलो करना ही पड़ेगा, वीडियो लेक्चर के बाद में या वीडियो लेक्चर से पहले. मैंने ये कई बार बोला है, आप किसी भी टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं पहले, जिस भी टीचर पे आपको भरोसा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में. देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भले से डिटेल में नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें से पढ़ लीजिए. या कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं है, आप उन्हें किसी समरी बुक से पढ़ सकते हैं. बट आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड दैट टू वो करेक्ट होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आपके पास एक प्रॉपर रिविजन एंड प्रैक्टिस का एक रेजिम होना चाहिए. आपके पास एक प्रॉपर रिविजन एंड प्रैक्टिस का अगर शेड्यूल नहीं होगा, यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट. सो रिविजन एंड प्रैक्टिस का शेड्यूल आपको करना बहुत ज़रूरी है. LS and JRF मैम विक्रम मैम, केमिकल साइंस वाले LS and JRF साथ में ज्वाइन कर सकते हैं बेटा. आपको किसी भी आप फील्ड में हो, 5 मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं, आप किसी में भी जब अप्लाई करेंगे ना, अगर आपका एज लिमिट है तो JRF ही अप्लाई कीजिए. क्योंकि अगर आप JRF के लिए अप्लाई किए हैं एंड आपने उतना कट ऑफ ना रख के, JRF के रेंज का ना रख के, लाइक सपोज LS के रेंज का रख लिया, तो भी आप LS क्वालिफाइड हो जाएंगे. अगर लेकिन आपने LS ही खाली अप्लाई किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज कर सकती है. तो अगर आपका एज लिमिट है, यू आर विद इन द एज लिमिट, सो आप हमेशा JRF के लिए ही अप्लाई कीजिए. ठीक है, आपका एज लिमिट क्रॉस हो गया है सो आप LS के लिए अप्लाई कीजिए. किसी भी सब्जेक्ट में डज नॉट मैटर, मैं जो भी बातें कर रही हूँ ये पांचों साइंस सब्जेक्ट के लिए सेम है. कुछ भी डिफर नहीं करेगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए जिनके बारे में मैंने अभी बात की. फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर एज लिमिट में है तो आप हमेशा JRF को ही चूज़ कीजिए अप्लाई करने के टाइम में. ठीक है, क्योंकि JRF करने से सेफ साइड, LS हो गया तो भी बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया, JRF हो गया तो भी बढ़िया, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से अटेम्प्ट करेंगे. बस यही आपके दिमाग में होना चाहिए. आशीष बेटा, अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर नहीं है, सिंपल सी बात है, आपके पास आपका सिलेबस निकाल लिया आप CSI नेट का. सिलेबस निकालने के बाद में आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका लिस्ट बनाइए. उन इम्पॉर्टेंट को पहले कवर करना स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द बेसिक्स. आपको बेसिक से ABCD से स्टार्ट करना होगा. कोई भी टॉपिक जैसे कि DNA स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको पहले राइबोस शुगर को राइबोस क्यों कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे रिंग में होता है कन्वर्ट, कैसे स्ट्रेट चेन रहता है, 5' से 3' का मीनिंग क्या है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए. बेसिक्स नहीं है डज नॉट मैटर, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे किस तरह से, शुरू से, कैसे, कहाँ से पढ़ें. जिनके पास बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए एक रामबाण इलाज है NCERT.
एनसीईआरटी को बायोलॉजी का गीता भी कहा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सब कुछ है जिसे आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको नया मिलेगा। आज एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ लीजिए, दो साल बाद उसे फिर से पढ़ेंगे ना तो आपका उसके ऊपर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी जो आपको दो साल पहले नहीं थी। बेसिक्स नहीं है कोई बात नहीं, किसी भी चैप्टर को पहले एनसीईआरटी से ख़त्म कीजिए, वर्ड टू वर्ड एकदम परफेक्टली समझ के, ठीक है। एनसीईआरटी करने के बाद में आप अपनी बीएससी के लेवल का उसको ख़त्म कीजिए, बीएससी सिलेबस को देख के, देन एमएससी लेवल के लिए उसमें ऐड करिए कुछ कुछ चीज़ें, देन आप रिविजन उसको करके प्रैक्टिस कीजिए कुछ सीएसआई नेट के क्वेश्चंस। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पैटर्न किया है फॉलो, क्या उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो एमएससी के लेवल का पढ़ने के बाद में आपको हायर लेवल और थोड़ा उसमें ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से करेंगे, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन गेट इट। ओके आशीष, समझ में आया बेटा? बेसिक्स नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी ही एक सोल्यूशन है। एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक है किसी भी टॉपिक का। आपने वो कर लिया पार्ट वन पार्ट टू, मैं यही सबको बोलती हूँ, अपने कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, प्लस टू से मैं यही बोलती हूँ। अगर आप प्लस इलेवेंथ क्लास में आ गए हैं या आपके आसपास कोई भी बच्चा इलेवेंथ क्लास में है, आप उसको ये सजेशन दीजिए, आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, समझने का, उसे उसका मैपिंग कर लेने के लिए ब्रेन में। एक बार आपका एनसीईआरटी का मैपिंग हो गया ना चैप्टर वाइज, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो एनसीईआरटी के पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है फिर मैंने जो बोला एक एक लेयर आप डिफिकल्टी पे आगे बढ़ सकते हैं और आराम से आप कर पाएंगे इफ़ यू आर डिटरमिंड, ठीक है। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड बुक से डर लगता है तो सिंपल मैंने इसका भी सोल्यूशन बताया है, या स्टैंडर्ड बुक्स को देख के लगता है कि इतने सारे पेजेस से मैं कैसे ख़त्म करूँगा या करूँगा, मैं भी आपके फेस से गई हूँ। मैंने भी जब एमएससी किया था तो उन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स को, या हम तो बीएससी से ही हमें लेनिंजर के ऑफ़र किया गया था, हमारे जो टीचर्स थे प्रोफेसर्स थे वो बोलते थे बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर से ही पढ़ो, तो बीएससी के टाइम से ही लेनिंजर हमने देखना स्टार्ट कर दिया था, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एमएससी के टाइम में आपको अगर स्टैंडर्ड बुक से डर लगता है तो इसका सोल्यूशन भी मैंने पहले बोला है, स्टैंडर्ड बुक से डर लगता है बेटा तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं गाइड, या कहीं भी आप ऑफलाइन ही जा सकते हैं, किसी भी जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो सही आपको गाइडेंस देगा, उनसे वो चैप्टर एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप उनसे समझ लेंगे, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को खोलेंगे ना काफ़ी आसान लगेगा। एंड आपको स्टैंडर्ड बुक्स को देखने के बाद में पता भी चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हंड्रेड इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ लाइफ साइंस का, प्रोटीन स्ट्रक्चर। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार इसमें से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं, आप इसको स्किप मत कीजिए, इसको लेनिंजर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले आप कितना भी लेक्चर सुन लीजिए। सो ऐसे डेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आप लिस्ट बनाइए जिसको आपको पढ़ना ही है स्टैंडर्ड बुक से, या आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। कैसे पता चलेगा? आप 5 साल का पेपर निकालिए, छोड़िए 5 साल आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि हर साल 2 पेपर होते हैं, 10 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। आप रिसेंट 3 ईयर्स का पेपर निकालिए, 6 पेपर्स को आप एक बार देखिए, भले से आप उसका लिस्ट ना बना सकें कि कहाँ से क्वेश्चंस है, बस उसको एक बार देखिए, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर, यू कैन नेवर मिस इट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा लेनिन जैसे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पक्का स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। इसके अलावा अगर फिर भी आपको डर लगता है तो यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स, जहाँ पे आप पढ़ लिए हैं, सुन चुके हैं, एंड यू नो यू आर कॉन्फिडेंट दैट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर इन योर हेड, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर रिविजन एज वेल एज प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का भी मैंने एक तरीका पहले बोला है, जो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा, और मैं भी जब प्रैक्टिस कराती हूँ मैं यही रूल फॉलो करती हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ यही रूल फॉलो करती हूँ, 4 ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, क्यों बाकी के ठीक नहीं है, एक तो करेक्ट है, बाकी के 3 क्यों नहीं ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो उसमें गलत क्या है, और अगर वो ऑप्शन सही है लेकिन वो आंसर नहीं है तो वो ऑप्शन को जानने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। तो बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं उसके पीछे जाइए। एंड एक और बात मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर आपने लेनिंजर से पढ़ा, लेनिंजर के में चैप्टर के एंड में इन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, बैक क्वेश्चंस। ये मैं अपने लाइफ साइंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होंगे
और हर सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यूजफुल क्वेश्चंस, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए, उसे देखिए। आंसर नहीं आने से अपने मेंटोर या गाइड से बात कीजिए, एंड अगर आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे तो सेक्शन सी जो है हमारा एनालिटिकल क्वेश्चंस जहाँ पे आते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चंस जहाँ पे आते हैं, वो सॉल्व करने के आपका और शार्पनेस आएगी। आप सेक्शन सी को ही आपको टारगेट करना है, क्यों मैं देखूँगी, पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आशीष बेटा मैम एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स बुक है, यूट्यूब में लेक्चर बता दो जो सारी एनसीईआरटी कवर करे। नीलांजना आई एम परस्यूइंग एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके बेटा, इफ़ यू आर परस्यूइंग एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी सो यू कैन प्लान योर करियर एज दैट कि बायोटेक्नोलॉजी होने से मुझे क्या फ्यूचर में करना है, रिसर्च में जाना है कि टीचिंग में जाना है कि पीएचडी करनी है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अपने डेज को, अपने मंथ्स को उस हिसाब से प्लान कीजिए। एज आप एमएससी में हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। और एंड आई होप कि आप जो एमएससी के टाइम है उसको प्लीज़ प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए। ये गोल्डन डेज है, आप अगर इनको अच्छे से पढ़ने में यूज़ करेंगे ना तो ये मेमोरी भी बन जाएगी लाइफ टाइम के लिए, एज वेल एज आप जो पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी आपके साथ रहेगा हमेशा। और जो पढ़ाई इस वक्त में होती है ना, वही आगे जाके हेल्प करेंगे। आशीष बेटा एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अनअकैडमी की ही नीट की क्लासेस जो होती हैं आप उनको देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे फ्री यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं। आप आराम से एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देख सकते हैं जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना तो है एनसीईआरटी से, लेकिन नीट के लेवल का पहले पढ़िए। जब नीट के लेवल का आप डाइजेस्ट कर लेंगे तो उसे फिर बीएससी लेवल का ले जाइए। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि अगर नीट के लेवल का आपने पढ़ लिया तो बहुत सारा बीएससी का कॉन्सेप्ट भी हो जाता है उसी में। एमएससी के लिए एक स्टेप और लीजिए उस टॉपिक में, ठीक है, उसके बाद में आप उसे सीएसआई नेट के लेवल का लेके जाइए अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस रिविजन। तो ये आपका पाथवे हो सकता है अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, ठीक है बेटा आशीष। एंड सिंपल, अगर स्टैंडर्ड बुक से डर लग रहा है तो मैंने जो तरीके बताए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कहीं पे आप गाइडेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप गाइडेंस के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि अगर स्टैंडर्ड बुक से डर लग रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको कोई बता दे तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आपको बाय करने की ही ज़रूरत नहीं है हमेशा। नहीं, अगर आप बेटर चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट करने से ही या बाय करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे। फ्री कंटेंट को अगर यूज़ करना है देन यू हैव टू बी डिटरमिन्ड कि मैं फ्री कंटेंट को यूज़ करके उसे बेस्ट पॉसिबल वे में हायर लेवल को लेके जाऊँगी या जाऊँगा। तो इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर वर्किंग स्मार्ट एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, फ्री कंटेंट से भी काम बन सकता है, डज नॉट मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। सो अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन जॉइन योर सेल्स टू क्लियर सीएसआई नेट एंट्रेंस एग्जाम। माई कोड इज शेल K10 विच यू कैन यूज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी यू प्ले स्टोर से। आप ये डाउनलोड कर लेंगे, आपको काफ़ी सारा फ्री प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, जैसे कि स्पेशल क्लासेस, क्विज एंड टेस्ट। स्पेशल क्लासेस, मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ। आपको मेरे स्पेशल क्लासेस देखने के लिए शेल K10 यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे। स्पेशल क्लासेस में मैंने अभी तक एनिमल बिहेवियर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, प्रोटीन पढ़ाया है, देन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, एज वेल एज बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी चलाए हैं। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके ऐप, एज वेल एज हर वेडनेसडे वहाँ पे फेस्टिवल चलता है तो स्पेशल क्लासेस बहुत सारे चलते हैं दिन भर में। मैं मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेस लेती हूँ सिर्फ एक दिन में वेडनेसडे के दिन। देन आपको अगर अनअकैडमी की यूट्यूब की क्लासेस, जैसे कि मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ 7 PM पे, जो आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं मैं 7 PM पे क्लास लेती हूँ। मैंने वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिया है, अभी डीएनए रिपेयर स्टार्ट करूँगी। सो यू कैन ऑल्सो जॉइन देयर, इट इज़ ऑल एब्सोल्युटली फ्री। स्पेशल क्लासेस भी फ्री हैं, क्विज टेस्ट भी फ्री हैं, जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन। वी विल टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन लेटर ऑन। फर्स्ट लेट्स सी एग्जाम, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। मैंने एक्चुअली UGC नेट के लिए भी लाया है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। फर्स्ट लेट अस कंप्लीट CSI नेट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CSI नेट। सो CSI नेट के लिए आपको एग्जाम पैटर्न जो है वो यहाँ पे है। पार्ट A, B, C 3 पार्ट है, आपको पता ही होगा। टोटल क्वेश्चन से पार्ट A में 20,
पार्ट ए में आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड मतलब क्या रीजनिंग, मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स, जनरल अवेयरनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 में से आपको 15 अटेम्प्ट करना है, टोटल मार्क्स यू कैन गेट इज 30। देन पार्ट बी में 50 टोटल क्वेश्चंस हैं, आपको 35 अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी इज़ बेसिकली मेमोरी बेस्ड, मैं अब इसके बाद बात करूँगी किस पार्ट को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। पार्ट सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, यू हैव टू अटेम्प्ट 25। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इज ओनली 75, आपको 75 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 200 एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवेन इज 145। तो आपको 75 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 145। एंड आउट ऑफ 200 बेसिकली 105 मैक्सिमम जाएगा, 104 इस तरह से जाएगा फॉर LS जो आज तक का देखा गया है। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा किया गया है, 115-118 मैक्सिमम जा सकता है JRF के लिए। एंड उस हिसाब से आपको पहले अपना पैटर्न बनाना है कि मुझे अगर LS क्वालिफाई करना है सो हर पार्ट में मुझे कितने क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सिर्फ उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उन्हीं को पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए, ठीक है। एंड पार्ट बी पार्ट ए को थोड़ा अवॉइड कीजिए, उनमें से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पार्ट सी को ज़्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड नहीं है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल, पूरा कॉन्सेप्चुअल। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जिसे रिवाइज करने की ज़रूरत रेयरली होती है, आप अगर कॉन्सेप्ट को एक बार भी अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लिया, सो इट्स वेल एंड फाइन। लेकिन मेमोरी बेस्ड चीज़ों को आपको एग्जाम से जस्ट एक हफ्ता पहले, दो हफ्ता पहले भी रिवाइज करनी पड़ेगी। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करना ही बेस्ट है। पार्ट ए अगर आपकी स्ट्रेंथ है सो यू कैन प्ले विथ इट, अगर स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि लाइफ साइंस के बच्चों की थोड़ी कम होती है, सो यू कैन अवॉइड। अदरवाइज किसी और सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो पार्ट ए को आप प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो पार्ट ए डिपेंड्स ऑन यू, पार्ट बी शुड बी अवॉइडेड, इट मस्ट बी अवॉइडेड। पार्ट सी मैक्सिमम ग्रैप करने की कोशिश करना है क्योंकि एक क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाना है। तो और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी के, डराने वाले होते हैं, बस ग्राफ दे दिया जाता है बड़ा बड़ा, लगता है कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं, बायोटेक्निक्स के वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है तो एज सच काफ़ी सारे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए, पार्ट सी के पीछे जाइए, पार्ट सी अगर आपने ग्रिप कर लिया यू कैन ईजिली क्वालिफाई। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा, तो पार्ट सी के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी का टाइम प्रैक्टिस। पार्ट बी में कम से कम क्वेश्चन रखिए अपने रेंज में, उसके लिए आपको ज़्यादा रिविजन चाहिए, पार्ट बी पढ़ने के बाद में रिविजन भी ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज पार्ट बी में आप मिजरेबली फेल कर जाएंगे। आप खुद देखेंगे आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए अगर रिविजन नहीं है तो। सो पार्ट बी नीड्स रिविजन, पार्ट सी नीड्स प्रैक्टिस, एंड पार्ट ए नीड्स प्रैक्टिस ओनली। पार्ट ए नीड्स प्रैक्टिस एज वेल एज अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है सो लेट्स लीव इट, उसको छोड़ दीजिए, कम से कम अटेम्प्ट करके बाय पास आउट निकल जाइए, उसे छोड़ के निकल जाइए। उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इज़ नॉट सजेस्टेड। हाँ, आप डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे सो अच्छा है। आप डेली हाफ एन आवर रख दीजिए पार्ट ए के लिए तो फिर काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इतने दिन में पार्ट ए मास्टर कर लूँगा या कर लूँगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा इनपुट देना होगा पार्ट ए के लिए, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है पार्ट ए के लिए भी अलॉन्ग विथ इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर CSI नेट के लिए आप सोच रहे हैं तो। देन सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो सब्सक्रिप्शन दो तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। इफ़ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस, इफ़ यू वांट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू रिवाइज, इफ़ यू वांट मोर रिवीजन थिंग्स लाइक मोर क्विज एंड टेस्ट, यू कैन बाय दीज टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। एंड प्लस एंड आइकॉनिक में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। सी ओवर हियर, दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड दीज आर द डिफरेंसेज। दोनों में लाइव क्लासेज होते हैं, दोनों में टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल, एंड दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज भी हैं। आइकॉनिक इज मच बेटर दैन प्लस। इन आइकॉनिक यू विल गेट अ पर्सनल कोच, यू विल गेट स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग क्लासेज, इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड प्रिपेरेटरी स्टडी मटेरियल। देन ये प्लस के बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के बेनिफिट्स ये एंड ये दोनों हैं। देन कैसे आपको बाय करना है, सो आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपना गोल देना है CSI UGC नेट, देन यू कैन गो एंड सिलेक्ट योर टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकॉनिक, देन यू कैन प्रेस गेट सब्सक्रिप्शन।
आपके पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें ड्यूरेशन और प्राइजेस की बात की जाएगी. आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, देन यू कैन बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस. दिस आर द प्राइजेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. 1 month का है 2900 टोटल, 3 months का है 6250 टोटल, 2083 पर मंथ. 6 months का है 11600 टोटल, 1933 पर मंथ. 12 months का है 14500 टोटल, 1208 पर मंथ. एंड 24 months का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. आपको मेरा कोड याद रखना होगा शेल के 10, आप तभी 10% ऑफ पाएंगे. एंड आई विल टीच यू ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद अदर एडुकेटर्स. यहाँ आइकॉनिक के प्राइजेस हैं. 6 months का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 months का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. एंड 24 months का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ. मेरा कोड है शेल के 10. यू कैन गेट 10% ऑफ एज वेल एज यू कैन पे इन EMI फॉर्मेट. सो ये तो बात हो गई सब्सक्रिप्शन की. अब फेलोशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे है 31,000 पर मंथ फॉर 2 years एंड 35 फॉर द नेक्स्ट 3 years. 20,000 आपको पर एनम मिलेगा टिल 5 years, कॉन्टिंजेंसी उसको बोलते हैं. देन आप फेलोशिप की बात करेंगे तो दोनों के लिए सेम है, UGC नेट CSI नेट. अब अगर UGC नेट की बात करें सो UGC नेट आप के UGC नेट के लिए 81 सब्जेक्ट्स ओपन है. 81 सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, देन ओडिया, आसामीज, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर UGC नेट. जस्ट यू हैव टू हैव अ PG डिग्री इन दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. एज वेल एज आप अगर UGC नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो सेम आपको LS JRF दो कट ऑफ होता है, सेम सारी चीज़ें CSIR की तरह है. देन आप सेट के लिए भी सोच सकते हैं. स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने पहले भी बोला है, लेकिन यही है कि सेट हर सब स्टेट में नहीं होता है, इट इज़ अवेलेबल इन फ्यू स्टेट्स ओनली. उसमें भी सेम है, LS JRF आपको मिलेगा, बट इट इज़ ऑन द स्टेट लेवल. सो ये टॉप, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था. UGC नेट की बात करें सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न. देर आर टू पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100. एंड टोटल मार्क्स है 350, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150. देन अगर आप बात करेंगे कि कितना उसका वैलिडिटी है तो 31 years JRF के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. नो एज लिमिट फॉर लेक्चररशिप. यहाँ पे 28 years ही था JRF, यहाँ पे 31 years है JRF के लिए. सो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया ऑफ UGC नेट एंड CSI नेट. सिंपल आपको नोट्स पे ध्यान देना है जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे. मैंने पहले ही बोला है नोट्स 2 तरह के होने चाहिए, लॉन्ग नोट्स एंड क्विक नोट्स. क्विक नोट्स में आप सिंपल छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे जो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में सीखा, जैसे कि किसी प्रोटीन का नाम, प्रोटीन के लिस्ट, सारे एंजाइम के लिस्ट, कोई सा प्रोसेस कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कहाँ पे, तो ये सारे छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि मिस आउट हो सकती है उन्हें लिखिए क्विक नोट्स में. लॉन्ग नोट्स में आपको पूरे टॉपिक का समरी लिखना है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समरी नहीं सॉरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है. अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंपल जब बुक पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक, आप वहाँ पे डाउट आउटलाइन करके रख सकते हैं. सो दैट विल बी योर लॉन्ग नोट. एंड आउटलाइन कर लीजिए, साइड में लिखते जाइए पेंसिल से जो भी आप उसे पढ़े हैं, जितना भी उसके बारे में सोचें. सो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं. एंड इस तरह से क्विक और लॉन्ग नोट्स आपको हेल्प करेंगे. वीडियो लेक्चर्स देखिए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप दूसरे बुक से देख सकते हैं. समरी बुक्स एज वेल एज रेडीमेड नोट्स को थोड़ा कम फॉलो करने की कोशिश कीजिए. समरी बुक्स पाथफाइंडर काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन पाथफाइंडर में भी समरी में दिया है. सो आप वही चीज़ें पढ़िए जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या जिसके बारे में आप काफ़ी जानते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. सो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को. प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप नया चीज़ सीखेंगे. रिविजन का एक पैटर्न बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे पक्का तरह से. खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, भले रिवीजन करना अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मुझे पर्सनली रिवीजन करना सबसे बुरा लगता है. तो आपको अगर रिवीजन करना नहीं पसंद है तो खुद को कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, रिवीजन को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसका एक पैटर्न मेरे हिसाब से हर टॉपिक को, मैंने पहले भी बोला है, थ्राइस 3 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है बिफोर सिटिंग इन द एग्ज़ाम. सो इस बेसिस पे आप अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए. अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है CSI नेट के साथ में, UGC नेट, DBT, JRF, ICMR, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर BEd. मैंने पहले भी बोला है एक लेक्चर में, आप BEd के लिए भी जा सकते हैं.
एक ऑप्शन और साइड में रख सकते हैं कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ सो ये सक्सेस, बट ऐसा सोचने से बेटर है कि जो कर रहे हैं उसमें फोकस कीजिए 100%, यू विल ऑलवेज सक्सेड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट. दोनों को कंबाइन कीजिए, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव अ प्रॉपर प्लान, सिलेबस को चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालिए, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसे निकालिए, दोनों को मिक्स कीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए. एक पक्का अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, खुद को इतना डिटरमिंड कीजिए यस आई विल डू इट, अच्छी जगह से गाइडेंस लीजिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए. इस तरह से जाएंगे तो किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे. एंड सिंपल जो आप सिलेबस अगर बना रहे हैं, सिलेबस को एनालाइज कर रहे हैं, कुछ मेंटर्स का सुन लीजिए लेक्चर्स में कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको निकाल लिया, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को निकाल लिया, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आपको नहीं पढ़ना है, तो किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है, किसमें आप अच्छे हैं, किसमें ख़राब हैं, किसमें इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है, इस बेसिस पे आपका खुद का एक सिलेबस होना चाहिए. एक सिलेबस तो है, आपका खुद का सिलेबस क्या है, क्या छोड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या मज़ेदार है, क्या ख़राब है. मज़ेदार क्या होता है पता है, जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया है वही मज़ेदार लगता है. जो चीज़ नहीं मज़ेदार है एंड इम्पॉर्टेंट है उसको पहले ग्रैब कीजिए, उसे अच्छे से समझिए, एंड आई गारंटी वो आपको मज़ेदार लगने लग जाएगा. जिस चीज़ से डर लगता है ना वो नहीं समझ आता है, इसलिए ही डर लगता है. तो जिस चीज़ से डर लग रहा है, जिस टॉपिक से डर लग रहा है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, मुझे पहले इसको करना है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, उसके पीछे पड़ जाइए, उस पर कॉन्कर करना है. एंड आई गारंटी अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, वो उसमें आप मास्टर हो जाएंगे, वो आपका फेवरेट हो जाएगा. तो फेवरेट टॉपिक वही होता है जिसमें आपको, जिससे आप, जिसको आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा या जिसमें आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, बस वही चीज़ फेवरेट है. तो फेवरेट कैसे, फेवरेट का लिस्ट बढ़े वो ध्यान दीजिए. इस तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे एंड कहीं पे भी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अगर इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो. देन आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, आपका खुद का एक लाइफस्टाइल बनाइए, मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है. कैसे दूसरी चीज़ों से भी आप अपने बूस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, मैंने पहले भी बोला है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ब्रेक्स, बीच बीच में कैसे अच्छा ब्रेक लें, कहाँ लें, कितना ड्यूरेशन का लें, इस तरह से अब अगर आप पूरा प्लानिंग करेंगे यू विल ऑलवेज फाइंड सक्सेस एट द एंड ऑफ द रोड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. आई होप दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए. एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. आई एम देयर, मैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स दे रही हूँ आपको, इस तरह से नहीं है कि बाय करना पड़ेगा, फ्री आप ऐप पे भी मुझे फ्री में देख सकते हैं. सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे एडुकेटर्स हैं जो कि फ्री में यूट्यूब एंड ऐप पे पढ़ा रहे हैं. सो यू कैन यूज़ ऑल दिस फ्री लेक्चर्स, सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ से आपको मिल सकता है. सो यू कैन यूज़ एवरी थिंग फॉर योर हेल्प, यूनिवर्स इज़ देयर टू हेल्प यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, आप जो भी परस्यू करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, बिकॉज इन टुडेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सक्सेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब. बट आई होप कि आपको जो आप चाह रहे हैं आपके करियर में वो मिल जाए. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये सारा प्लान सबके लिए सेम है, पाँचों सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी भी बात की गई है. सो ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. कल 7 PM पे क्लास लूँगी मैं DNA रिपेयर, आज नहीं कर पाई, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. देन वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन ऑल्सो, वी विल हैव अ सेशन, वन मोर सेशन ऑल्सो, वेर यू कैन आस्क योर डाउट्स और यू कैन गेट मोटिवेट.